afternoon to you all. Okay. ठीक है बेटा, संभालो अपने आप को. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव जॉइंट रिसेंटली फ्रॉम 19th? मतलब आप लोगों का आज लॉ का फर्स्ट डे है, राइट? तेरा जिंदगी भर फर्स्ट डे ही रहेगा, उसके आगे तो निकला ही नहीं कभी. ठीक है, चेक. यस. सो आज हम लोग कुछ लॉ के बारे में समझने वाले हैं, द बेसिक थिंग्स रिलेटिंग टू लॉ. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट को कैसे बनाया जाता है, ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द सब्जेक्ट. इन फैक्ट अबाउट इंडियन लॉ ऑल्सो, नॉट ओनली द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बहुत नैरो टर्म हो जाएगा. इंडिया में भी बहुत सारे कानून हैं, यही कानून की बेसिक चीजें जो है इनको आज हम लोग एक चैप्टर के द्वारा समझने वाले हैं. इनफैक्ट आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है ये. ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ओके, सो आई एम सीए अंकिता पटनी, योर होस्ट, योर दोस्त, योर टीचर, योर फ्रेंड, योर फिलोसोफर. आपको जो बोलना है आप बुला सकते हो मुझे. एंड वी विल बी शेयरिंग दिस जर्नी ऑफ सीए. बेटा संभालो अपने आपको. एंड वी विल बी शेयरिंग दिस जर्नी ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ टुगेदर. ओके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, दिस इज फॉर ऑल द न्यू कमर्स, यू विल अंडरस्टैंड कौन से टॉपिक्स हैं आप लोगों को. और कोई भी एक्ट इनफैक्ट चालू करने के पहले हम लोग उस एक्ट के बेसिक चीजें समझते ही है. तो जैसे कि अगर हम लोग कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे, कंपनी क्या होती है, कंपनी को क्यों लाया गया, उसकी बेसिक चीजें समझते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर चालू करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाई दिस एक्ट, वहां से हम लोग शुरू करते हैं. तो वॉट इज रिटन इन द एक्ट, वो तो हमको करना ही है, बट वाई द एक्ट केम, वाई दिस पर्टिकुलर लॉ, वहां से ग्रास रूट लेवल से ये सब्जेक्ट की शुरुआत होगी. सभी बच्चों के लिए दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट, दिस एक्ट्स आर न्यू एक्ट्स. तो चाहे आपने 11th, 12th में साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, रियली डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी. मेरे लिए, सभी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द सब्जेक्ट. बट जहां पे देर इज दिस गुड थिंग अबाउट द सब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, देर इज ऑल्सो वन बैड थिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कि ये पूरे 100 मार्क का पेपर इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर. सब्जेक्टिव यानी क्या, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में एक सवाल चार गोला, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और वापस से 4 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो. ऐसी बात आपकी लॉ में नहीं है. लॉ में एक तो पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव के साथ साथ दिस पेपर इज ऑल्सो थियोरिटिकल पेपर. जैसे अकाउंट्स और लॉ, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव मतलब समझ सके डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने चाइनीज में बोला है. सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आपका हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, साइंस, वैसा ही हमारा लॉ का पेपर है. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन, कमेंट, जज, क्या सही क्या गलत, ऐसा आपको पूछा जाएगा. कोई हिंट विंट कुछ नहीं होगा, आया तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं. बट सब्जेक्टिव टाइप होने के साथ साथ आपका पेपर थियरी पेपर है. जैसे देखो अकाउंट्स, इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर, सॉल्व करना है, सॉल्व. आपको लॉ में सॉल्व नहीं करना है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूफ, ऐसा नहीं है लॉ में. लॉ इज प्योर थियरी, प्योर मतलब जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसा थियरी है. तो अब
सारे चैलेंजेस आपको लॉ के पेपर में आएंगे. ऊपर से लॉ पेपर इज इन इंग्लिश, वो तो अपनी लई भारी है ना, बहुत भारी है अपनी इंग्लिश. तो हो सकता है यस सब्जेक्ट वाइज आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बट दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मराठी तेलुगु वट एवर मीडियम स्कूल, दे माइट फेस अ लिटिल चैलेंजेस इन लर्निंग एंड राइटिंग पार्ट. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हूं आपके साथ. देर विल बी नो किड. तू ना आज यहां पे स्टेज पे आके गाना गाएगा. बहुत बोलना है ना तुझे, यहां पे आके बोल. गाना गाएगा या तो शायरी. हाँ ठीक है, पूरा इंडिया तुझे देखेगा, फिर हम भी ऐसी आवाजें निकालेंगे. आप लोगों को उसको ज्वाइन करना है तो यू ऑल मोस्ट वेलकम, प्लीज डू कम इन. एक एक करके अभी सबके मजे लेंगे, डोंट वरी. आ जाओ. ये जो ई बुलाया ना अभी, ये इसके बाद रहने वाला है, कल आप ही हो ना बेटा. आ जाना. आपने आवाज निकाली ना, किसने निकाली फिर बताओ. ठीक है, अभी सितंबर में कुछ दिन पहले ही लॉ का पेपर होके गया. बिलीव मी द लॉ पेपर वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट पेपर, बट देर वॉज वन थिंग दैट द किड्स वर फेसिंग चैलेंज इज द राइटिंग पार्ट. एवरी स्टूडेंट, इनफैक्ट एवरी वन, नॉट ओनली ऑलमोस्ट ऑल, मैं कह रही हूं एवरी वन फेल्ट दैट द पेपर वॉज वेरी लेंदी. तो वो लेंदी की बात वहीं पर आ जाती है ना, समझा सब कुछ है, यू ऑल आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, याद सब कुछ है, बट फिर अगर आप लिख नहीं पाओगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे. 70 मार्क्स 80 मार्क्स अगर बच्चा लिख रहा है, वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसको 80 में से 80 मिलेंगे या 70 में से 70 मिलेंगे. गोन आर दोज डेज. वेलकम टू सी ए फाउंडेशन. 100 मार्क का लिखोगे तब उम्मीद करना 70 मार्क मिलेंगे. 70 मार्क का लिखा है तो आप सोच सकते हो आपको मार्क्स कितने मिलने वाले. सो अब देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी स्कूलिंग हिंदी या मराठी मीडियम से हुई है. जो हो गया है सो हो गया है. नाउ दैट इज गॉन, इट इज योर पास्ट. बट यस, एक चीज जरूर मैं बोलना चाहती हूं, आपका फ्यूचर क्या होगा ये आज आपके हाथों में. यू आर गोइंग टू बी द वन हु आर ईदर गोइंग टू मेक योर फ्यूचर और ब्रेक योर फ्यूचर. सो अब आपको डिसाइड करना है कि आगे वाली जर्नी आपको किस डायरेक्शन में लेके जानी है. यू नो हाउ योर इंग्लिश इज, हाउ योर राइटिंग इज, हाउ योर स्पेलिंग्स आर, हाउ योर ग्रामर इज. स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अकॉर्डिंगली, तो ही आप इस सब्जेक्ट में कमाल कर पाओगे. नहीं तो फिर अगर मेरा मीठे में बोला हुआ नहीं समझता है, ICI आपके पीछे ही खड़ा है. इंस्टीट्यूट आपको जोर से एक झटका देगा, डायरेक्टली 4 महीने बाद ही आप आओगे. ठीक है, तो या तो प्यार से समझ लो या तो फटका मिलने के बाद समझ लो. समझना तो है, ये बात एकदम क्लियर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पिछला जो रिजल्ट आया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था न्यू कोर्स का, उससे क्लियरली सबको बोल दिया है, हम लोग ऐसे वैसे बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करके क्लियर नहीं करवाने वाले. हमें सब कुछ अप टू द मार्क चाहिए. CA फाइनल से भी कम CA फाउंडेशन का रिजल्ट था. इसी से इंस्टीट्यूट खुद चीख चीख के कह रहा है, ये कोर्स में हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं. इंस्टीट्यूट आपके लेवल पे नहीं आएगा. यू आर द वन हु आर सपोज्ड टू रेज योर लेवल विद द ICAI. तो अब बाकी सारी चीजें आपके मुट्ठी में है. बाकी यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ, यू ऑल आर लाइक व्हाट 18 प्लस. कानून ने देश चलाने का मौका आपको दिया है. ठीक है, तो जिंदगी तो आप आपकी चला ही सकते हो. बाकी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, शायद से आपके पप्पा आपके पीछे बैठे हो गए, बड़े करोड़पति हो गए, वो उनके पैसे से मजे कर लेना. ठीक है, आ जाइए, चलो शुरुआत करते हैं.
कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट. बाकी समझदार को इशारा काफी है. जो लोग कह रहे हैं ऐसी कुछ हालत नहीं है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है? यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. आपको आपके सपने खुद पूरे करने होंगे, ठीक है? आप अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान के बच्चे नहीं हो. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्या हुआ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. सुनो मेरे को, ये जो चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. क्या नाम है बोले तो? बट फॉरगेट अबाउट दिस चैप्टर एक्ट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज लॉ. लॉ का क्या मतलब होता है? कानून, हिंदी ट्रांसलेशन. ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू व्हाट? अरे ऐसे क्या चुट्टू 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 आंसर दे रहे हो? सब लोग मिलके पेपर देने वाले हो क्या? कुछ भी बोलो, हिंदी मराठी इंग्लिश में चलेगा. लॉ क्या लगता? ओके फाइन, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर सेट अप बाय हूम? गवर्नमेंट. व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट हैज सेट अप दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस? ओके ठीक है, माइंडसेट लोगों के अलग अलग होते हैं. हो सकता है मेरे लिए जो गलत है आपके लिए सही है. ओके हो सकता है ऐसे. अब ऐसे केस में हो सकता है ये अलग माइंडसेट की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति का कुछ गलत हो जाए. अब ऐसा ना हो, इसलिए हमने क्या किया है, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, सो दैट कुछ ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां कानून ने आपके ऊपर डाली है, और इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से क्या हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. तो बेसिकली जनहित में जारी हमने क्या किया है, कानून को बनाया है. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं लेना चाहती हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट आज और कल का हम लेक्चर नहीं करेंगे, सिंपल समथिंग दैट इज वेरी इजीली रिलेटेबल टू योर डे टू डे लाइफ. वैसे एग्जांपल्स मैं दूंगी, जैसे कि इफ यू वांट टू ड्राइव, क्या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए? Yes. साथ साथ में यू शुड नॉट बी ड्रंक एंड यू शुड नॉट बी ड्राइविंग, क्या ये कानून है? Yes. और ये कानून को सबको फॉलो करना चाहिए. ये कानून क्यों बनाया गया होगा? फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. आपने खुद ही कुछ महीने पहले देखा है, वो बच्चे ने जो माइनर है, एक तो वो गाड़ी चला रहा है, प्लस ही इज ड्रंक, ही इज ड्राइविंग एंड ही इज ओवर स्पीडिंग द व्हीकल, उसी से क्या दो लोगों की मौत हुई? अब देखो ये चीज क्यों हुई, अगर वो कानून फॉलो करता ये नहीं होता. एंड दीज टू किड्स, दिस नॉट किड्स एक्चुअली, दे वर नॉट किड्स, जो भी है, दीज टू अडल्ट्स would not have lost their lives. So that's the exact reason why law is made. In simple language, very simple language, law is nothing but it is a set of obligations and duties. Set of obligations and duties imposed by whom? Not by mama, not by papa. ये आपके घर के rules and regulations नहीं है. Imposed by the government. Government सेंट्रल हो सकता है, गवर्नमेंट स्टेट भी हो सकता है. और क्यों गवर्नमेंट ने ये ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज डाली हुई है? इसी कारण के लिए डाली गई है ताकि हमारी सोसाइटी जो है उसमें वेलफेयर रहे, सोसाइटी को जस्टिस मिले. जस्टिस मिले इन द सेंस क्या, कानून कहता है अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको इतने समय की जेल, उसका इतना अमाउंट का फाइन. किसी ने किडनैप किया है, रेप किया है, तो इतना फाइन, इतना जेल, ऐसा वैसा, ताकि एटलीस्ट जिसके साथ गलत हुआ है उस इंसान को ऐसे लगे कि मेरा जो गलत है, इस गलत को सुनने के लिए और गलत करने वाले को एटलीस्ट सजा तो मिल रही है. कुछ लोग कम से कम सजा के मारे गलत करेंगे नहीं, और जो फिर भी बेशरम है, अगर वो गलत कर भी रहे हैं फिर उनको उनके किए की सजा मिलेगी. दैट इज द रीजन व्हाई द लॉ इज मेड. सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? टेक्स्ट बुक्स है आप लोगों के पास? आओ तो टेक्स्ट बुक्स, आई थिंक फर्स्ट पेज पे ही
क्या मेरे पास यहाँ पर है? आई जस्ट चेक अगर मेरे आईपैड में है. बेस्ट यही खोलती हूँ फिर. सुनो मेरी बात. सो वॉट इज लॉ एंड फॉर ऑल द न्यू कमर्स यू आर सपोज टू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. इनफैक्ट चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको चार अलग अलग बुक्स लगेगी. तो लॉ के लिए भी आपको एक अलग नोटबुक लगेगी. लॉ भी आपका 100 मार्क का पेपर है, उसको भी उतनी इज्जत देनी है जितने बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो. इनफैक्ट लॉ और अकाउंट्स ये दो ही सब्जेक्ट्स है जो आपको तीनों भी स्टेजेस पे है. मैथ्स इकोनॉमिक्स सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे है, इंटर फाइनल में नहीं है. इसको क्या हो गया? ये शुरू हुआ या बंद हुआ? कैसे समझा? कुछ भी रबिश. हाँ देखो आ गया. ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? चेक इट आउट गाइस. लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज एंड इट इज इम्पोज्ड बाय हूम? इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. व्हाई इज इट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर. वेलफेयर मतलब आप समझते हो लोगों का भला चाहना. एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी. जस्टिस मतलब न्याय. तो बेसिकली हमने क्या किया है? लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली हुई है. हमने मतलब किसने? इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. इट कैन ईदर बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कैन बी द स्टेट गवर्नमेंट. और क्या कारण है कि ये ऑब्लिगेशन हमने डाली है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड the welfare of the society and to provide justice to the society. Okay, यही law आता कहां कहां से है? But पहली बात तो law में included क्या क्या है? तो law is a very broad word. It's a very broad word. Okay, law includes acts. तो आप लोग आपके सिलेबस में इनफैक्ट 6 एक्ट्स पढ़ने वाले हो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड LLP एक्ट. तो एक तो एक्ट्स होता है, बट सिर्फ एक्ट्स लॉ का हिस्सा नहीं है. एक्ट्स के साथ साथ देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जब भी आप लॉ पढ़ते हो सिर्फ एक्ट पढ़ के बात नहीं बनेगी. एक्ट के साथ साथ रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ना भी जरूरी है. व्हाट आर दीज रूल्स? व्हाट आर दीज रेगुलेशंस? रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे गो हैंड इन हैंड विद द एक्ट. वेयर एज एन एक्ट इज मेड बाय द पार्लियामेंट. आज हम लोग देखने वाले हैं एक्ट कैसे बनता है. So, ये आज के सेशन में ही होने वाला है, तो थोड़ा सा धीरज रखिए. एक साइड पे एक्ट है, एक साइड पे रूल्स है और तीसरे साइड पे होते हैं केस लॉस. कानून बनाने वाले तो कानून बना के कब के चले भी गए. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपके सिलेबस में है ना, इट वॉज मेड इन द ईयर 1872. कौन से साल में? 152 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए इस एक्ट को बनके. 150 से ज्यादा साल हो गए. कानून बनाने वाले चले भी गए, इस दुनिया में नहीं रहे.
बट अभी भी क्या हम इस कानून को फॉलो करते हैं? yes. करते या नहीं? yes. अब कानून बनाने वाले ने तो कानून बना लिया, बट अब उसका क्या इंटेंशन था कानून बनाने के पीछे, वो हमको नहीं पता है। तो कभी कभार क्या होता है, लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। कोई कहता है इंटेंशन ये है, कोई कहता है इंटेंशन वो है, कोई कहता है इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है, कोई कहता है इस प्रोविजन को वैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और समझ में नहीं आता है कौन सही कौन गलत। और झगड़ते झगड़ते ये लोग चले जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और वहीं पे हमारे जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोविजन का मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, मतलब ये सही और ये गलत, और उस हिसाब से ऐसा करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या मुद्दा कोर्ट में आया है। आई बात आपको कुछ समझ में? तो अब यही कोर्ट जो होते हैं लेते हैं और देते हैं डिसीजंस, ये इसको कहते हैं केस लॉज। क्या कहते हैं इसको? और केस लॉज में जो डिसीजन आए हैं ये डिसीजन भी कानून का हिस्सा है। केस लॉ में जो आपने डिसीजन दिए है ये डिसीजन भी किसका हिस्सा है? कानून का हिस्सा है। सो बेसिकली लॉ इज वेरी ब्रॉड टू इंक्लूड एक्ट और क्या क्या रूल्स एंड केस लॉस। लॉ में क्या क्या आता है? एक्ट, रूल्स। सिर्फ एक्ट पढ़ लिया तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने कानून पढ़ा है। आपके सब्जेक्ट का भी क्या नाम है बोलो तो एक बार? देखो आपके कवर पेज पे लिखा होगा बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस एक्ट लिखा है या लॉ लिखा है? मतलब आप लोग आपके सिलेबस में एक्ट तो पढ़ोगे, एक्ट के साथ साथ रूल्स भी पढ़ोगे। जिनका कंपनीज एक्ट हुआ है, हमने स्मॉल कंपनी का रूल्स देखा है 440 करोड़, ये एक्ट में नहीं दिया है, कहां दिया है? रूल में। और प्लस हम लोग बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ेंगे, जैसे कि सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है, चिनैया वर्सेस, ये सारी चीजें हम लोग इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। सिर्फ एक्ट पढ़ेंगे क्या? एक्ट के साथ साथ बोलो रूल्स, और रूल्स के साथ साथ केस लॉज भी हम पढ़ने वाले। तब कहेंगे हमने क्या पढ़ा है? लॉ पढ़ा है। आई बात समझ में? सो कौन सा वर्ड ब्रॉडर है, लॉ या एक्ट? क्या लॉ में एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, और केस लॉज भी आते हैं? तो देखो, लिखो ये चीज। पहली बात तो आपके नोटबुक में नए पेज पे आ जाइए, और इस नए पेज पे लिखिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यस साकेत, और चैप्टर का नाम लिखने के बाद लिखो लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉ। क्या हुआ? कंपनीज एक्ट ये चैप्टर 3 दिन में हो जाएगा, उसके बाद कितने पेजेस छोड़ोगे? एक मिनट, आपने कहां तक लिखा हुआ है?
लेक्चर्स देखे थे, उसमें क्या क्या आया था, होल्डिंग सब्सिडी और क्या क्या आया था उसमें, सेक्शन 8 कंपनी और लिस्टेड अनलिस्टेड, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल, चार पांच साइट्स छोड़ दो, साइट समझता है ऐसे, एक दो तीन चार पांच साइट्स छोड़ दो, ठीक है। जो लोगों का कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा सिलेबस पेंडिंग है ना, चार पांच साइट्स छोड़ दो और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुरू कीजिए और वहां पे लिखो लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस पानी लाना ना अमर केस लॉस प्लस पानी लाना ना अमर सच में छोटे बच्चे हो क्या? साइड्स मतलब क्या कुशल पूछ रहा है, क्या कर रही हूं मैं जिंदगी में। ये एक पेज है कुशल, एक पेज जिसके दो साइड्स होते हैं, तो ऐसे एक दो तीन चार और पांच ऐसे साइड्स छोड़ने। ठीक है, सच में इतने बोले हो या मेरे मजे ले रहे हो तुम लोग? ठीक है, अब देखो सवाल ये उठता है, कोई भी कानून बनता कैसे है? अगर एकदम स्टार्टिंग से मैं बात करूं, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए कानून बनाया जाता है। देखो डोंट टॉक, लॉ भले ही थियोरी पेपर होगा बट द अप्रोच इज वेरी प्रैक्टिकल। कोई भी कानून अगर आज के डेट पे बना हुआ है, पहले प्रैक्टिकली उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस हुआ करती होगी, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुए होंगे, उसी के बाद कानून आया। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, जैसे कि एग्जाम्पल, एक मिनट, बहुत जमाने पहले देर वर नो व्हीकल्स, लोग वॉकिंग जाते थे। कभी आपने सुना है दो लोग चल रहे हैं, अचानक से दोनों का जोर से एक्सीडेंट हुआ और एक तो मर गया और दूसरा आईसीयू में है, ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ, दो लोग चलते चलते टकरा गए, प्रेम हो गया, वो अलग बात है, वो कहानियों में और मूवीज में देखते हैं। बट प्यार में पड़ गए और मर गए वो अलग बात है। हो गया बेटा आप लोगों का? आप लोग बचपन से ऐसे ही हो क्या? आपसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे भेज दिया आपके माँ बाप ने, कहा है बस अभी हमको थोड़ा फ्रीडम दो, तुम जाओ। एक्चुअली उनकी जगह उधर ही है। जो लोग नए आए उनके सामने कुछ तो इम्प्रेशन बना के रखो आपका कि कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो यहां पे हुआ क्या है, ये देखिए, कुछ समय बाद व्हीकल्स आना चालू हुई, कोई ड्रंक है ड्राइव कर रहा है, कोई छोटा बच्चा है ड्राइव कर रहा है, कोई कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है और बढ़ती गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लग गए। सरकार ने देखा कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हमने ट्रैफिक के रूल्स बनाए हैं, और यही रूल्स एक नहीं है, अनेक है, अनेक ट्रैफिक रूल्स है। तो एक रूल बुक बनी रिलेटिंग टू ऑल दीज थिंग्स, और यही रूल बुक को ले डाउन किया गया इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड, और ये लोकसभा और राज्यसभा में इस रूल बुक को पास करवाया गया, और जिसके बाद हमारा एक्ट बना जिसको आज के जमाने में हम कहते हैं एज द मोटर, जिसमें यही सारी चीजें लिखी गई है। लाइसेंस होना चाहिए, मोपेड का लाइसेंस 16 साल, कार का लाइसेंस 18 साल, इतने टाइम के लिए लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस इतने सालों के लिए वैलिड रहेगा, लाइसेंस के टेस्ट के लिए ये सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि एक पेपर का टेस्ट भी होता है और एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, हॉस्पिटल स्कूल्स के उधर नो हॉर्न जोन, ये वन वे, ये यू टर्न, ये ऐसा, ये वैसा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए इन दिस रूल बुक विच वॉज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इट वॉज पास्ड इवेंचुअली विच मेड इट एंड एक्ट। तो मैं वही कह रही हूं, भले ही रूल बुक आज जब आप पढ़ते हो ये थियोरी है, बट ये रूल बुक का आना बड़ा ही प्रैक्टिकल है। ये रूल्स, ये ऑब्लिगेशंस आप फॉलो करोगे तो जेन्युइनली एक्सीडेंट्स कम हो गए, एंड इट इज इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसी इंटेंशन से इस कानून को बनाया गया है। वो बात अलग है कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ऐसे तो रेड मतलब स्टॉप और ग्रीन मतलब गो, बट आपके लिए तो ग्रीन मतलब गो, येलो मतलब गो फास्टर, रेड मतलब मामू नहीं है तो गो। तो वो बात अलग है आप फॉलो करते हो या नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं, बट यस फॉलो अगर सच में करोगे, इससे सिर्फ आपका नहीं बट सोसाइटी का एज अ होल फायदा होगा। आपने यही, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, दो लोगों की जान बच जाती अगर ये बच्चा ड्रंक नहीं होता, ड्राइव नहीं कर रहा होता, ओवर स्पीडिंग नहीं करता तो। बट आप लोग समझते नहीं हो, आपको लगता है लॉ बनाया ही जाता है फॉलो करने के लिए, ऐसा मैं कहना जा रही थी, बट देखा आप लोगों ने कह दी बात मन की, मैंने नहीं कही है, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, मेरे पास प्रूफ है। सो यस, दैट्स हाउ इट इज। और वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आएगा, यही प्रॉब्लम का कानून बना के सल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। और देखो, मोदी जी अकेले काम नहीं कर सकते, सुनना, ये जो एसी है ना उसका टेम्परेचर कम करना, ठंडी नहीं हो रहा है, आपको ठंड लग रही है क्या, गर्म हो रहा है मुझे, स्विंग चालू कर दे एसी का, नहीं तो सुनो ना मेरी बात। आपने सीरियसली ले लिया है वो मीनिंग जो मैंने कहा, कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सच में फ्रेंड समझ लिया है। सुनो ना, बोलो ना, ये बातें बोलने की होती है, ठीक है। रियलिटी में आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो सुनो, देखो आज इससे गाना गवाने वाली हूं मैं, तुम लोगों से तो डांस करवाने वाली हूं मैं, चिकनी चमेली में, और ये आवाज रिकॉर्ड करके मैं माइक पे ये आवाज फिर चलाऊंगी जब तुम लोग डांस करोगे। सो यस, मोदी जी को अगर देश चलाना है,
अलग अलग फील्ड्स में उस फील्ड के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना ज़रूरी है। तो अब जो भी फील्ड में आपको लग रहा है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना ज़रूरी है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आज इंडिया में 16 लाख से भी ज़्यादा कंपनीज हैं, कॉरपोरेट सेक्टर अपकमिंग सेक्टर है। आजकल लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के रूप में काम नहीं करते। पीपल आर मोर कीन टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज, LLPs, क्योंकि इनको फंडिंग मिलता है, प्राइवेट इक्विटी के द्वारा फंडिंग मिलता है, IPOs आते हैं। सो पीपल आर मोर कीन, स्पेशली स्टार्टअप को मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में आ रही है, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉरपोरेट सेक्टर। बट कॉरपोरेट सेक्टर जहाँ अपकमिंग है, उस कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। जैसे कि आपने अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा, सत्यम करके कंपनी जिसका बड़ा स्कैंडल हुआ था, पेटीएम के साथ ही देख लो, पेटीएम बस नाम के लिए बड़ा रह गया है, काम तो बड़े खोटे किए हैं उसने। इनफैक्ट RBI के रेगुलेशंस पेटीएम ने कंप्लाई नहीं किए। जो कंपनी RBI से नहीं डरती, आपसे और मुझसे क्या डर है, समझ रहे हो आप? तो फ्रॉड हो रहे थे, लोगों के साथ गलत हो रहा था, और ऐसी जब गलत बातें होती है, सबसे पहले उंगली गवर्नमेंट पे उठती है कि सरकार क्या कर रही थी, समझ रहे हो आप? और इसीलिए कॉरपोरेट सेक्टर में नया कानून लाना बहुत जरूरी हो गया था। तो ये जो मैं आपको कह रही थी ना, मोदी जी वर्क्स थ्रू हिज डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री बोलो तो जरा? ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूं आप लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आप लोगों को दो कॉरपोरेट लॉज में एक्ट है, एक कंपनीज एक्ट और दूसरा LLP, दोनों भी एक्ट्स फॉल अंडर द कॉरपोरेट लॉ, और आपको सिलेबस में है, सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, इंटर में भी है। सब कुछ जो मैं कह रही हूं इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, काम में आने वाली बात है, तो इज्जत दो इस बात को। तो जैसे कि इमेजिन कीजिए, आप मोदी जी की जगह पे हो, आप देख रहे हो कॉरपोरेट सेक्टर अपकमिंग सेक्टर है, अपकमिंग सेक्टर तो है बट आपको डर लग रहा है, ऐसे अगर कांड होते रहे ना तो लोगों का जो विश्वास है वो कम होते जाएगा, और कांड जब होएगा सबसे पहले मोदी जी और निर्मला सीतारमण पे उंगली उठेगी, बिकॉज निर्मला सीतारमण इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनफैक्ट शी इज द हेड ऑफ वन मोर डिपार्टमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ समय पहले आपने देखा होगा बजट प्लेस किया था उन्होंने, तब उनकी बहुत सारी चर्चा हो रही थी, जैसे TDS, बहुत सारे मीम्स भी आ रहे थे, TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड बाय सीतारमण। छोड़ रहने दो, आप लोगों को उर्फी जावेद से फुर्सत मिलेगी तब आप यहां पर आओगे ना। फॉलो तो कर लो ना यार, उर्फी जावेद कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, आप लोग ना ही फॉलो करो, मुझे रहने दो, कमेंट्स में यू ऐसा ही आएगा। उसने कुछ तो सीरीज लॉन्च की ना उसकी, फॉलो कर लो ना यार, उसके वो प्रोमोज देखे थे मैंने, इसे नहीं उतने, मैंने कुछ तो सनफ्लावर वाला उसका वो ड्रेस देखा था, फिल्मी ज्ञान को मैं फॉलो करती हूँ, उसमें से समझ में आया था मुझे। टैक्स में क्या अमेंडमेंट आया वो नहीं पता है, उर्फी जावेद ने कपड़ों में क्या चिपका है वो बड़ा पता है, देखो। सुधर जा बेटा, सुधर जा, उर्फी को फॉलो करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आ जाइए। तो यस, मोदी जी ने फिर क्या किया, ये सत्यम और ये सब स्कैम्स आने के होने के बाद उन्होंने निर्मला सीतारमण को बताया, यू आर दी हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, आप कंपनी से रिलेटेड नया कानून बनाओ। देखो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है और इसी प्रॉब्लम के सलूशन निकालने के चक्कर में नया कानून आया और फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक बिल बनाया। बिल इज नथिंग बट इट इज, समझ लो, अ ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द प्रपोज्ड एक्ट। एक्ट अभी तक एक्ट नहीं है इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किए, प्रपोज्ड एक्ट। और यही ड्राफ्ट रफ कॉपी, ये बिल इज गोइंग टू बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, एंड वंस इट इज पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट गोज टू आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज, यस, द्रौपदी मुर्मू। वंस शी गिव्स हर कंसेंट टू दिस ड्राफ्ट, देन दिस ड्राफ्ट या ये बिल हम कहेंगे विल नाउ बिकम एन एक्ट। बट अब देखो लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ है, या द्रौपदी मुर्मू जी ने कौन से बिल को एक्ट बनाया है, ये क्या आप और मैं जानते हैं? नहीं, ये तो अंदर की बात है, सिर्फ छोटे मोटे किस्से जो होते रहते हैं उन उस बारे में हमको पता रहता है पार्लियामेंट में, बेंचेस पछाड़ना, पप्पू का, सॉरी राहुल गांधी का मोदी जी को चुम्मी देना, इसने ये कहना वो बोलना, बेंचेस पछाड़ना, टेबल कुर्सी फेंकना, ये सब चीज न्यूज में आ जाती, समझ में आ जाता है। बट चर्चा की क्या, चर्चा क्या किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जस्ट करेक्टेड माई सेल्फ, सो दैट इज व्हाई आई सेड आई करेक्टेड माई सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता है, ये स्टुपिड हरकतें जो होती रहती है, बट हमें इस बारे में नहीं पता है कि एक्चुअली कौन से बिल्स प्रपोज हुए हैं और उनके बारे में क्या चर्चा हुई है, प्रेसिडेंट ने कौन से बिल को कंसेंट दिया है। बट इवेंचुअली लॉ को फॉलो करने वाले तो आप और मैं हैं, तो हमें तो इस बारे में पता होना जरूरी है। और इसीलिए क्या होता है, सारे बिल्स का जब प्रेसिडेंट कंसेंट देता है और एक्ट बनाता है या बनाती है, तब इन एक्ट्स को पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द ऑफिशियल गैजेट का वेबसाइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जैसे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वैसे ही होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ भी अगर बना है, कुछ अमेंडमेंट, नया रूल, नया रेगुलेशन, नया एक्ट, उसको पब्लिश किया जाता है यहाँ पे इन द ऑफिशियल। अच्छा, ये ताज़ा गर्मा गर्म नोटिफिकेशन है, आज का ही है, कर लो आप ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये मेरा साइंड इन नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। दिस इज लाइक द गवर्नमेंट पब्लिकेशन, व्हाट इज इट लाइक,
जैसे अपने जो अखबार होते हैं, इस अखबार से हमें समझता है खबर क्या हुई है इंडिया में, देश में, विदेश में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। वैसे ही गवर्नमेंट ने कौन से नए रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स बनाए हैं उस बारे में हमें पता चलता है थ्रू दिस गवर्नमेंट पब्लिकेशन, थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। स्टेट लॉ है तो स्टेट गैजेट होता है, दिस इज सेंट्रल गैजेट विच इज नोन एज द गैजेट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो आप। और ऐसे करके कोई भी एक्ट बनती है, कैसे बनती है एक्ट बताओ तो, पहले क्या बिल बनेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट बिल बनाता है। तो अगर कंपनी से रिलेटेड नया एक्ट बनाना है, कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अभी चर्चा और रूमर्स चालू है इनकम टैक्स एक्ट नया आने वाला है, तो कौन सा मिनिस्ट्री बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये ड्राफ्ट बनने के बाद इट विल बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कंसेंट देने के बाद क्या बनेगा, और देन इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। लिखो, हाउ इज एन एक्ट मेड। डन, आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, हो गया ना। हो गया, तो देखो कोई भी एक्ट बन तो गया, बट फिर इस एक्ट में क्या सारी चीजें होती है। देखो एक्ट इज नथिंग बट व्हाट इज इट, आई टोल्ड यू इट्स जस्ट अ रूल बुक। रूल बुक है या नहीं, तो रूल्स बहुत सारे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि रूल्स बनाना चालू किया और खत्म होगा वही फुल स्टॉप होगा, ऐसा तो नहीं होगा। सिस्टमैटिकली आप रूल्स को बनाते हो। अब जब रूल्स को सिस्टमैटिकली बनाया जाता है, एक तरीका होता है, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में भी अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, तो यही प्रोविजंस को हम लीगल भाषा में कहते हैं सेक्शंस। तो सेक्शंस के अगर सब पॉइंटर्स है उसको सब सेक्शन कहेंगे, उसके भी अंदर और पॉइंटर्स है तो उसको क्लॉज कहते हैं, और उसके अंदर भी पॉइंटर्स है तो उसको कहते हैं सब क्लॉज। सो बेसिकली एक्ट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज
एंड सब क्लॉज ये लिखो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट बताती हूँ प्रैक्टिकली. लिखा देखो प्रैक्टिकली. अरे व्हाट इज रॉन्ग विद यू ऑल, एवरी वन हैज टू गो टू द वॉशरूम बिफोर अटेंडिंग माई क्लास, दिस इज अ रूल. और ये वाले रूल को तोड़ना मत नहीं तो मुश्किल हो जाएगा. ये देखो, सी दिस इज प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट, दिस इज अ बेयर एक्ट. बेयर एक्ट मतलब जैसी एक्ट बनी है वैसे के वैसे मैंने बिगर छेड़े आपके सामने उसको पेश किया है. ये देखो एक्ट्स में से अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जैसे ये चैप्टर वन है. इस चैप्टर वन में दो सेक्शंस है, सेक्शन वन एंड टू. फिर ये चैप्टर टू है, ये चैप्टर टू में देखो ये सेक्शन थ्री से शुरू हो रहा है एंड इट गोज अप टू सेक्शन 22. वैसे ही कोई भी पेज पे मैं आती हूँ, जैसे कि ये देखो इस पेज पे आई मैं. चलो अब आपको देखा 26, व्हाट इज दिस 26 मतलब सेक्शन 26 जिसकी हेडिंग दी है हमने Matters to be stated in the prospectus. अगर आप carefully ऑब्जर्व करोगे 26 का ये पॉइंट वन है, दिख रहा है? अरे हाँ है ना? तो जवाब दो. आपके निर्मला सीतारामन ने बोलने पर भी टैक्स लगाया, बोलो फिर. ये वन दिख रहा है? अब अगर आप थोड़ा नीचे आते हो यहां पर आपको ये टू दिख रहा है, ये थ्री दिख रहा है. तो अगर आप ये पॉइंट रीड कर रहे हो, हाँ इमोशनल मत हो ज्यादा, ये फोर्थ पॉइंट दिख रहा है. अब जब आप इस पॉइंट को रीड करोगे माना जाएगा आप पढ़ रहे हो सेक्शन 26 सब सेक्शन 4. आई बात समझ में? इसको अगर आप पढ़ रहे हो दिस इज सेक्शन 26 सब सेक्शन 2, फिर इसमें दिस इज क्लॉज ए. क्लॉज के भी बच्चे हो सकते हैं. देखो यहां पे ये पॉइंट अगर मैं पढ़ रही हूं माना जाएगा मैं क्या पढ़ रही हूं, सेक्शन 26 सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1. आई बात समझ में? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अपन अपनी बुक में कैसे हायरार्की बनाते हैं, कोई आंसर जब हम एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करते हैं हम पहले 1 2 3 4, फोर्थ के अगर कुछ बच्चे हैं तो हम ए बी सी डी देते हैं. सिमिलरली लॉ में एक पैटर्न बना है और इसको हम लोग सब पॉइंट्स ना कहते हुए, कानून की दुनिया अपनी दुनिया है, कुछ तो बारी किया है ऐसे लगना चाहिए ना, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज. वैसी वो बात है. सो एक्ट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज. लिख लो एक्ट का मतलब. ये भी लिख लिया इतनी जल्दी? ऐसे कैसे? अच्छा मेरे को इसमें बताओ, इस वाले पॉइंट में
आपने एक्ट तक लिखा है, उसके नीचे लिखो या बाजू में लिखो, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है. नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए मैं बोल रही हूँ. आफ्टर एन एक्ट इज मेड, आफ्टर एन एक्ट इज मेड, इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. After an act is made, it is published in the official gazette. Next, नए पेज पे आ जाओ तो नए पेज पे नोटबुक के, और वहां पे आप लॉ की डेफिनेशन लिखो. पहले लिखो व्हाट इज लॉ, और आप लोग लर्न करोगे अभी के अभी, और टेक्स्ट बुक में देखे बिगर वन लाइनर में आंसर दोगे व्हाट इज लॉ. व्हाट इज लॉ? लॉ इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय हुम, बाय द गवर्नमेंट, फॉर व्हाट, सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस फॉर द सोसाइटी. लर्न करके बिगर देखे लिख के दो. कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अभी के अभी इसको लर्न कर लो. आजा बेटा, अभी तेरे गाने का टाइम आ गया. शायरी आजा. अभी खत्म ही हो गया क्लास. अच्छा बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? कम ऑन गाइस. Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to the society. Law mein kya kya cover hota hai? Law is equal to act plus rules plus case laws. Act is equal to section. Act kaise banta hai? Draft bill will be laid down in both the houses of the parliament. Then present consent देने के बाद और act को publish किया जाएगा in the official gazette of India. चलो टेक्स्ट बुक्स पे आ जाओ, जितना किया है उसको रीड कर लेते हैं. आज मैथ्स का क्लास है? कितने बजे? आ जाइए. Sources of law, check it out guys. पहली बात तो
तो ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, दो मार्क का क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? सो पहली बात तो द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को कुछ बेसिक राइट्स देता है, द राइट टू स्पीक, द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन. ये सारे राइट्स आपको कहां से मिले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ इज द संविधान, भारत संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट. तो जैसे कि कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, ये सारे कहां बने? अभी जो हमने देखा हाँ है ना. सो बेसिकली यू ले डाउन द ड्राफ्ट इन द लोकसभा राज्यसभा, गिव इट टू द प्रेजिडेंट एंड देन द प्रेजिडेंट गिव्स द कंसेंट आफ्टर विच इट बिकम्स एन एक्ट. इवन स्टेट असेंबलीज, स्टेट असेंबलीज विधानसभा, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, विधान सही लिखा है क्या? प्रेसिडेंट मतलब क्या? प्रेसिडेंस, ठीक है. जुडिशियल डिसीजंस बताओ, जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस को हम इजी लैंग्वेज में कहते हैं केस लॉज. क्या कहते हैं? और कभी कभार, चेक इट आउट गाइस, लॉ कैन ऑल्सो बी मेड बिकॉज ऑफ सम कस्टम और यूसेज. कस्टम और यूसेज मतलब क्या? व्हाट इज अ कस्टम यार? ट्रेडिशन, कस्टम, यूसेज. हाँ, जो जन्मों जन्मों से चलते आ रहा एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली. कुछ रीति रिवाज जिसको अब कानून में हमने बदल दिया. जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल, बहुत जमाने पहले, डोंट इवन नो फ्रॉम व्हेन, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि जब शादी होगी तो लड़की जो है वो लड़के के घर में जाएगी और वही अब उसका ससुराल और वही अब उसका घर होगा. कानून ने ऐसा नहीं कहा था, लोगों ने ये रिवाज लाया. नहीं आई बात समझ में? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज अ कस्टम, इट्स अ ट्रेडिशन, इट इज एन एक्टिविटी which is performed repeatedly by some people. और उसके बाद फिर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया और फिर इस एक्ट ने इस चीज को लीगलाइज किया. बट कुछ कुछ ट्रेडिशंस तो ऐसे होते हैं जिनका कोई एक्ट भी आज तक नहीं बना है, बट वो जन्मों जन्मों से युगों युगों से चलते आ रहा है. बट अब वो कानून के बराबर ही हो गया बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस कि ये चीज तो होनी है. उसको भी हम कानूनी मानेंगे, उसको भी हम. तो देखो, बॉक्स बनाती हूं मैं. टेल मी द फोर सोर्सेज ऑफ लॉ. कम ऑन गाइस. कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज वगैरह मत बोलो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड स्टेट, जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम्स एंड यूसेज. यस नो गाइस? दीज आर द सोर्सेस. सोर्स मतलब कानून कहां से आया है. सोर्स इस चार चीजें, आओ आपकी नोटबुक में लिखो सोर्सेज ऑफ लॉ. Hey,
हेडिंग दो सोर्सेज ऑफ लॉ. ये पूरे चैप्टर की समरी में लिखवाने वाली हूँ. देखो ऐसा कुछ बनाया है मैंने. या ये देखो ऐसे कल जैसे अपना ये सिविल लॉ होगा, कॉमन लॉ होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे समरी बनेगी. हेडिंग दी आपने सोर्सेज ऑफ लॉ. बताओ टेल मी द फोर सोर्सेज ऑफ लॉ. देन से पार्लियामेंट मत बोलो. लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. ये देखने यार बार बार कौन कॉल कर रहा है. अमर अमर सो गया क्या. देख उठा और बात कर यार. बोल क्लास में चार बार कॉल किया. जुडिशियल डिसीजंस. कस्टम्स एंड यूसेजेस. और लॉ की तो डेफिनेशन आपने लिखी है. व्हाट इज इट. इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय हू. इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. व्हाई. For securing welfare and एक मिनट लिख रही हूँ. Providing justice to the society. है ना. हमारा आज ये भी कॉन्सेप्ट हो चुका है. अरे अरे लॉ बनता कैसे है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. नेक्स्ट पेज पे देखो. जितना जितना किया उतना रीड कर रही हो. बाकी हुआ नहीं है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. बताओ क्या कंसर्न डिपार्टमेंट ड्राफ्ट बनाएगा. बिल उसको कहते हैं. इट विल बी लेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द. देन इट विल गो टू द. एंड देन इट विल बी पब्लिश इन द. तो देखो सबसे पहले तो अ लॉ इज प्रपोज इन द पार्लियामेंट. बट जब पार्लियामेंट में प्रपोज होता है वो एक्चुअली एक्ट नहीं है, बिल है. उसके बाद पार्लियामेंट मंजे क्या है. लोकसभा एंड लोकसभा आपको पता है हाउस ऑफ पीपल. सिविक्स में आपने किया है ना. और राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट. लोकसभा और राज्यसभा आई थिंक आपको पता है. सिविक्स में नहीं हुआ बेटा. हिस्ट्री सिविक्स ऐसे मत देखो. ये 8th, 9th, 10th में होता है तो बोलो ही मत. साइंस कॉमर्स आर्ट्स. फिर उसके बाद एक बार लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा फॉर हिज और हर कंसेंट. एंड वंस द कंसेंट इज गिवन विल इट बिकम एन एक्ट. बट जनता को इस बारे में नहीं पता है. जनता को कैसे समझ में आएगा. बाय पब्लिशिंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया. और जो दिन मेंशन्ड रहेगा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन में उसी दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. जरूरी नहीं है आज पब्लिश किया और अगली पल से एप्लीकेबल हो जाएगा. हो सकता है आज पब्लिश किया है और कहेगा एप्लीकेबल होएगा 1 नवंबर से. नहीं है बात समझ में. एक्ट बन सकता है एक दिन पे और एप्लीकेबल हो सकता है
कोई और दिन पे, जो दिन नोटिफिकेशन में लिखा है उसी दिन से एक्ट एप्लीकेबल होता है। इतना हमने किया है बस, इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। लॉ क्या है, सोर्सेस क्या है, लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, और प्रोसेस क्या है ऑफ मेकिंग द लॉ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये अब शायरी बोलेगा एंड देन वी विल बी डन फॉर द डे। और एक माइक है, कोई बात नहीं, इनसे जूते खा लेना। सो वर्चुअल किड्स, आप लोगों के पास भी लॉ के लिए एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है, दो फेरे ले रहा है, आ जा। हाँ नहीं, चालू रहने दे, पूरे इंडिया को देखने दे। इसकी आवाज ठीक है ना? हाँ, सारे चुप रहना, सुनना वरना भूल जाऊंगा। झुक के चलता हूं कि कद उसके बराबर ना लगे, झुक के चलता हूं कि कद उसके बराबर ना लगे। दूसरा ये कि राह में ठोकर ना लगे, तुमसे बिछड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमसे बिछड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे ये मुमकिन है कि अंधे का कहीं सिर ना लगे। एक बार जोरदार तालियां। चलो ठीक है, दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।